हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 7.3 आपका कंप्लीट कर लिया था और अब 12th मैथ का 7.4 देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट फलनों के समाकल देखेंगे हम। सबसे पहला ले रहे हैं इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx। इसमें एक काम कर रहे हैं हम, देखिए जब इस फॉर्मेट का आपका समाकलन आ जाए तो इसमें क्या काम करेंगे हम, देखिए इसमें से हम नीचे से a² हर में से a² कॉमन ले ले रहे हैं। जब कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ बचेगा 1 + x² / a² dx। देखिए 1/a² बाहर निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर बचेगा 1 + x / a² dx। जब इसको हम t मान लेंगे, x/a = t, तो क्या हो जाएगा आप देखिए, 1/a dx = dt। और यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी a dt। इन सब में रख दे रहे हैं 1/a² (1/1 + t² और dx की वैल्यू आपकी हो जाएगी a dt। जब ये a बाहर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1/a² (1/1 + t² dt। एक कैंसिल रह जाएगी, आपकी केवल एक ही बचेगी, यहाँ आपका क्या बचा, 1/1 + t² dt। और 1/1 + t² किसका होता था समाकलन, t के सापेक्ष है, ये हो जाएगा आपका tan−t + c। और t की हम वैल्यू लगा देंगे जो आपने मानी थी, तो t की वैल्यू थी x/a, ये हो जाएगा tan−x/a + c। अतः इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx = 1/a tan−x/a + c होगा। देखिए अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/1, अब हमने x अभी a² + x² लिखा था, अब ले रहे हैं a² − x² dx। और इसी में एक और फॉर्मेट होता है हमारा इंटीग्रेशन 1/x² − a² इन दोनों को हम ध्यान अंतर समझना है। यहाँ पर आपका a² − x² है और यहाँ पर x² − a² है, दोनों में अच्छी तरह से देखना है ध्यान से। तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेना, दूसरे को इंटीग्रेशन 1/a² − x² dx। तो पहले हम इसे आंसर वैल्यू से तोड़ेंगे, यानी 1/1, अब इसे हम तोड़ भी सकते हैं ऐसे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के a − x और a + x dx, यानी हर को हमने दो रैखिक गुणनखंडों में तोड़ लिया। जो आपका a² − x² था, इसको हमने a − x और a + x रख दिया। यानी देखिए अब आंशिक भिन्नों द्वारा, अब देखिए आंशिक भिन्न कैसे तोड़ते थे, आंशिक भिन्न का जो चैप्टर है वो आप अच्छी तरह से अगले वाले चैप्टर में सीख रहे हैं, फिर भी हम एक समझा दे रहे हैं कि जब रैखिक आपका गुणनखंड रैखिक हो, हर में रैखिक यानी एक घात वाले गुणनखंड हो, जब एक घात वाला हो तो ऊपर कोई कांस्टेंट मान लेंगे, मान लो a मान लिया और a के नीचे इसे लिख देंगे हर में a − x, और प्लस b भी अगर रैखिक हो तो इसे भी हम b/a + x रख देंगे। अगर यहाँ पे तीन होते या एक और होता है x − c, मान लो कुछ भी होता, तो उसे हम प्लस का c लगा के कर देते। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/a − x और a + x = इसका एलसीएम ले लेंगे तो a − x
पर ए प्लस एक्स हो गया, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, ए ए प्लस एक्स प्लस बी और ए माइनस एक्स। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, अब आपकी ये सर्व संख्या बचेगी कि वन बराबर ए ए प्लस एक्स प्लस बी और ए माइनस एक्स, ये आपकी कोई सर्व संख्या हो गई। अब सर्व संख्या में हम कुछ भी रख सकते हैं एक्स बराबर, दोनों पक्षों में चाहे एक रख दो, दो रख दो, पांच रख दो। तो हम एक काम कर रहे हैं, एक युक्ति सोच रहे हैं कि इसका एक पद कोई सा भी जीरो हो जाए। अगर मान लो हम एक्स बराबर ए रख देते हैं, ए रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहां से ए का मान निकल आएगा। तो जब एक्स बराबर ए तो देखो यहां तो एक्स है नहीं, तो वन ही रहेगा, ए यहां पर एक्स है तो ए और ए कितना हो जाएगा, दो ए प्लस बी, और जब यहाँ पर ए रखेंगे तो ए माइनस ए आपका हो जाएगा, ये आपका मिलेगा वन बराबर टू ए इंटू ए, और ए बराबर आ जाएगा आपका वन अपॉन टू ए। ऐसे ही जब हम इसमें जब हमने एक बार एक्स बराबर ए रखा था तो ये जीरो हो गया था, या आप इनको घातों की तुलना, घातांकों की तुलना करके भी आप निकाल सकते हैं, गुणांकों की, सॉरी गुणांकों की तुलना करके भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, आगे और भी सिखा देंगे गुणांकों की तुलना करके कैसे निकालते हैं। अब एक बार यहाँ पे जीरो बनाना है तो एक्स की जगह क्या रखना, यहाँ प्लस का ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए। तो जब एक्स बराबर माइनस ए तो वन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए ऐसे रहेगा, यहाँ पर ए माइनस ए रख देंगे प्लस बी, यहाँ पर आपका ए है ही है, और जब यहाँ पर माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ पे b 2a हो जाएगा और बराबर 1। जब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2a। अब इन a और b के मान को हम यहाँ पर रख लेंगे, जो आपने a और b के मान निकाले हैं ये वाले यहाँ से आगे लिखेंगे, तो हम इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यानी हमारा a का मान जो निकला है वो है 1 अपॉन 2a और b का मान जो निकला है वो है 1 अपॉन 2a। इन सब अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स और आपका ए प्लस एक्स डी एक्स बराबर। अब हमने इसके बराबर यही तो माना था, तो इसमें सब में हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन ए का मान कितना था आपका 1 अपॉन टू है और अपॉन में क्या है ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस, और बी का मान भी आपका कितना 1 अपॉन टू है और अपॉन में क्या है ए प्लस एक्स। देखिए 1 अपॉन टू है दोनों जगह से बाहर निकाल ले रहे हैं, यह क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टू है और ये 1 अपॉन टू है दोनों जगह से हमने बाहर निकाल दिया, यहां बचा ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब आगे देखते हैं 1 अपॉन टू है इसका समाकलन कितना होगा, एक्स का गुणांक है 1 और 1 को जब हर में लिखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और लॉग इसका अवकलन देखिए अंश में है तो क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस, इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर हर में है ये आ जाएगा लॉग ए प्लस एक्स, इसको मॉड में रखेंगे और प्लस का सी। अब इसे देखते हैं 1 अपॉन टू ए, ये लॉग एम मान ले रहे हैं इसे और इसे लॉग एम मान ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा लॉग, इसे पहले लिख दे रहे हैं ए प्लस एक्स माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस का सी, इसे एम और इसे एन मान के अंश बटे हर में लिख देंगे 1 अपॉन टू ए लॉग, ये अंश वाला ऊपर लिख जाएगा ए प्लस एक्स और ये नीचे लिख जाएगा ए माइनस एक्स प्लस का सी। अतः
ये आपका किसका था, इसी का तो था, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी।